हेलो दोस्तों, पंकज मगध में आपका स्वागत है। और हमारे साथ एक शिक्षक जुड़े हुए हैं जो यहीं से पीएचडी कर रहे हैं, तो चलिए इनका नाम पूछते हैं और एक बहुत अच्छे पाथवे स्टूडेंट को दे रहे हैं। तो चलिए सर, आपका नाम, अपना पूरा इंट्रोडक्शन, मतलब जो ये पढ़ाते हैं, IITN को इस बार सिलेक्शन हुआ है और बहुत अच्छे रैंक से, आप खुद बताएंगे सर, तो प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दीजिए और छात्रों को उत्साह, मतलब जागरूक भी कीजिए कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपनी सफलता को आगे तक ले जाना चाहिए, प्लीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू माई मिस्टर कलीग पंकज एंड माई चैनल पंकज मगध। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अश्विनी कुमार, रिसर्च स्कॉलर ऑफ PG डिपार्टमेंट मगध यूनिवर्सिटी बोध गया। मैं देख रहा हूँ कि विगत काफ़ी 18 सालों से जो मैं पढ़ाते आ रहा हूँ, जो मैं सेवा के रूप दे रहा हूँ बच्चों के बीच अपनी शिक्षण संस्था से और शिक्षा के माध्यम से, मुझे बहुत ही लगाव है बच्चों से और मैं ज़्यादा से ज़्यादा मास लेवल पर बच्चों के साथ कनेक्टिविटी में आना चाहता हूँ। और वैसे मैं 18 ईयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस कैरियर में मैंने देखा है कि हर साल मेरे यहाँ से बच्चे अपने लेवर के बदौलत अपनी कर्म भूमि को एक नया नींव खड़ा किया है और हर वर्ष IIT में रिजल्ट देता आया है। मेरा खास करके जो इंस्टीट्यूट चलती है वो गया कॉलेज मोड़ पर एसेंट इंस्टीट्यूट के नाम से पॉपुलर है। और बस ये सोच लीजिए कि मैं एक सेवा देता हूँ बच्चों को, मेरे लिए बस मैं काफ़ी हटली लगाव रखता हूँ बच्चों के साथ। हमारे यहाँ जो भी इच्छुक स्टूडेंट्स हैं, खास करके वो पढ़ने के लिए 11 एंड 12 के लिए जो इंजीनियरिंग एंड मेडिकल सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्रॉपर उनका मैं पढ़ाई के साथ साथ काउंसलिंग भी करता हूँ और वो अच्छे अच्छे IIT रेप्यूटेड कॉलेजेस में और NIT कॉलेज, NEET कॉलेज, मेडिकल कॉलेजेस में वो उन्होंने दाखिला भी लिया है। मैंने देखा है कि बच्चों की कहीं ना कहीं इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा परेशान करती है और जिस जगह से वो कभी भी कॉरपोरेट जगहों पर जा करके वो अक्षम हो जाते हैं, जाने में वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। मैं तो एक कॉरपोरेट नहीं है मेरा, बट मेरा एक ऐसा कंसिडरेशन है, अपना एक मानना है कि बच्चों को मैं अपने सब्जेक्ट में केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट देता हूँ, हमारे और भी जो मित्र हैं कलीग्स हैं फिजिक्स मैथ्स बायो, मैं अपने गाइडलाइन में उन टीचरों से मैं उस तरह से सेवा दिलवाता हूँ या बच्चों को जो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। मैं तो एक अच्छा सा इंजीनियर नहीं बन पाया क्योंकि मैं बहुत 94 में मैंने IIT क्वालिफाई किया था, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड एंटीना रेडार प्रोफेशनल सर्विसिंग था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर फैमिली बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए मैंने उसको लैक किया। और मैं बस उसी दिन से ठान लिया था कि बच्चों को सेवा करना है और मैं एक अच्छा बेस्ट इंजीनियर तो नहीं बन सका, एक बेस्ट टीचर शायद मैं नहीं बन सका हूँ, बट एक बेस्ट पाथ मेकर बन करके मैंने साबित कर दिया और अपने बच्चों का हर साल मैं रिजल्ट देता आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनके चैनल के माध्यम से लोग मुझे जाने और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, जिनके भी भाई बंधु बहन घर के बाल बच्चे हों तो वो अपने आए और मेरे चैनल के थ्रू, जो कि एक मेरा ऑनलाइन चैनल भी चलता है यूट्यूब पे एसेंट बाई अश्विनी सर, और मेरा खुद का ऑफलाइन मोड पे जो इंस्टीट्यूट है वो एसेंट इंस्टीट्यूट के नाम से फेमस है जो गया कॉलेज मोड़ पर है। और बच्चे लोग को मैं कहीं भी, कोई भी बच्चा बोलता है कि सर मुझे पैसा देने में एफर्ट में नहीं कर पा रहा, तो मैं निःशुल्क सेवा भी बच्चों को देता हूँ और अच्छे जो स्कॉलर स्टूडेंट्स हैं मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सेशन 11 एंड 12 इवन इन संकल्प 1.0 बैच में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता हूँ। हर सरस्वती पूजा के दिन मेरे कम से कम तो मैं कुछ ऐसे बच्चों को, टैलेंटेड बच्चों को, स्कॉलर बच्चों को मैं सेलेक्ट करता हूँ और दाखिला लेता हूँ कि मेरे यहाँ से वो बच्चे अच्छे रिजल्ट दे करके पास आउट हो सके और दे भी रहे और मुझे कभी भी निराश नहीं कर रहे। और मैं चाहूँगा बस इसी के साथ अपनी वाक्य को मैं विराम दूँ और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग टू मी एंड थैंक्स फॉर ऑल माई ऑडियंस हु इज वॉचिंग माई वीडियोज, थैंक्स। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि मगध यूनिवर्सिटी में ऐसे बहुत से स्टूडेंट अभी भी हैं जो बुलंदियों को हासिल कर रखे हैं और स्टूडेंट को प्रगति पर, तो इनका जो भी एड्रेस है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मैं पूरा डिटो फिल कर दूंगा, प्लस इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं फिल कर दूंगा। आप हो सकते हैं जो भी स्टूडेंट पढ़ने में इच्छुक हैं आप जाइए, और सर का एक चैनल भी है, आप चैनल मेंशन भी किया हुआ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी वीडियो का डाला हुआ है, आप जाइए देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से अभी जस्ट कोई स्टूडेंट हुए थे, आदित्य आकाश, जो जनरल PWS कैटेगरी में 3532 रैंक NTA 2 में लाया उसने और 99.129% 122 परसेंटाइल भी उसका आया।
हर पिछले साल भी आया था आयुष कुमार का, उसके पिछले साल ऋषि राज जो कि 2019 पास आउट बच्चे, हमारे बिहार का फोर्थ टॉपर रैंकर भी था। तो बिहार बोर्ड के ज़्यादातर बच्चे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चे अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। तो टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में, बस परखने वाले यहाँ पर लोग की जरूरत है। और टैलेंटेड स्टूडेंट्स उस जगह पर जौहरी के पास पहुँच जाते हैं तो उनको टीचर उस तरह से सांचे में ढाल देते हैं। और मैं विशेष क्या कहूँ, तो ये वीडियो को ही पेंट करते, बाकी एक बार जाके देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, एक बार प्लीज एक बार जाके देखिए इनका वीडियो को देखिए जाके, और अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और ऑफलाइन जो आसपास में गए के आसपास में लोग हैं, आप कॉन्टेक्ट कीजिए सर से, अश्विनी सर से, आपको बेहतर ही पॉजिटिव वेव के साथ आप वापस घर आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नए वीडियो में, ठीक।